राहत से जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत राहत में प्रतिवर्ष होने वाले रावत नाच महोत्सव का आयोजन शांतिपूर्वक बीती देर रात संपन्न हुआ। नगर पंचायत राहत के अध्यक्ष सत्य राजन गुप्ता की पहल से हर साल इस वर्ष भव्य एक दिवसीय नाच का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस रावत नाच महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से यदुवंशी समाज के लोग आते हैं और अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भव्य रावत नाच महोत्सव को देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर महोत्सव को शोभा बढ़ाने के लिए आकाश झूला, मीना बाजार, जादू टॉकीज जैसे विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के लिए आते हैं। नगर पंचायत एवं व्यापारी बंधु की ओर से रावत नाच महोत्सव में 21,000 प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार में 15,000 राशि, तृतीय पुरस्कार 11,000, चौथा पुरस्कार 7,000 एवं प्रत्येक यादव बंधुओं के लिए 1,100 का सातवां पुरस्कार रखा गया था, जिसमें इस बार महोत्सव का प्रथम इनाम खमतराय यादव बंधु बिलासपुर, द्वितीय पुरस्कार जय यादव जय माधव दल गिरशा, तृतीय पुरस्कार राधा कृष्ण यादव दाल बलौंदा बाजार, चतुर्थ पुरस्कार राजकुमार यादव दल करमंदी एवं पंचम पुरस्कार कृष्ण यादव दल रामपुर को प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो आप लोग को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ नगर पंचायत राहत की भूमि में। ये माँ गादी देवी की भूमि है और हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है नगर पंचायत राहत के रोहताही बाज़ार में, और प्रदेश से सभी जगह से जो हमारे यादव यदुवंशी भाई लोग हैं वो अपनी टोली बना के आए हैं और COVID-19 का दिशा निर्देशन का पालन करते हुए अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक लोगों का सवाल है, उन लोग भी सैनिटाइजर मास्क वितरण किया गया है उन लोग को, और उन लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और बाकी देवी देवता गांव के और हमारे जो नगर प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी के, छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है उसको बढ़ाना है, इसी दिशा निर्देश में हम लोग काम करते हुए भव्य राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और आप सभी लोग का सहयोग और प्यार हमेशा बने रहे और भगवान सबको अच्छा रखे। जय राधा माधव। विशेष ये है कि जो लोगों में 2 साल से जो लोग निकल नहीं पाए थे और उत्साह की जो कमी था, ये जो कार्यक्रम है लोगों में नया ऊर्जा आ रहा है और लोग जो राउत नाचा महोत्सव के माध्यम से जीने का जो जज्बा है और उत्साह का जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। और हम लोग भी यादव भाई लोग के जो उत्साह को देखते हुए हम लोग भी उत्साहित हैं और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा का पारंपरिक पर्व राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया है यहाँ पर, जिसमें काफ़ी दूर दूर से और हमारे नगर के आसपास के गांव के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों का उत्साह तो देखते ही बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना काल के कारण काफ़ी समय से कुछ ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। अभी भी ये जो कार्यक्रम हुआ है उसे हम COVID-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए कर रहे हैं। कितने उत्साह हो गए होते हैं यहाँ? ये तो पहले मतलब हमारे राहत की परंपरा रही है, लेकिन अभी कुछ समय से बंद हो गया था। पिछले साल हमारा पहला प्रयास था और ये इस वर्ष दूसरा प्रयास है। क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही हमारे नगरवासी हमारे व्यापारी भाई बंधु जितना हमको सहयोग करेंगे, हम इस कार्यक्रम को और भव्य रूप में करने का प्रयास करेंगे।